डॉक्टर विश्वराज चौधरी ने मॉडर्न स्लेवरी ट्रुथ नेवर टोल्ड के आधार पर एक बुक का लॉन्च किया। थैंक यू। डायबिटीज में पीएचडी करके डीआईपी डाइट की वजह से मशहूर और जाने माने डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने 23 दिसंबर 2021 को एलटीजी ऑडिटोरियम में अपनी एक नई किताब फर्स्ट क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ नामक किताब का लॉन्च किया और जनवरी 2021 जर्नल ऑफ साइंस ऑफ हीलिंग आउटकम वॉल्यूम 13 इशू 50 में प्रकाशित लेटेस्ट रिसर्च पेपर भी लोगों को दिखाए और बताया कि मेडिकल साइंस में पहली बार ऐसा हुआ है कि 7 सालों में रोजाना 60 इंसुलिन यूनिट लेने वाले टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट को अब डीआईपी की वजह से इंसुलिन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और डाइट में बदलाव करके वो अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं और इंसुलिन लेने का छुटकारा भी पा सकते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट द्वारा भी स्पॉन्डिलोसिस मरीजों पर डीआईपी क्लिनिकल ट्रायल भी किया गया जिसके करने पर उसे सकारात्मक पाया गया। इस किताब के अध्ययन से आपकी कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी सर्जरी वैक्सीनेशन लेने की सलाह देने वाले डॉक्टरों के पास भी जाना छोड़ देंगे। डॉक्टर विश्वराव चौधरी ने बताया कि उपचार संबंधित सवाल पर यदि आप अपने डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या मैं आपके उपचार से अपने जीवन को सकुशल लंबे समय तक जी पाऊंगा या गुणवत्ता के आधार पर मैं अपने इलाज को अपनी ज़िंदगी को सुधार कर लंबे समय तक छुटकारा पा पाऊंगा, शायद वह इस बात से जवाब न दे पाए। पीएचडी डॉक्टर विश्वरूप चौधरी ने बताया कि क्या मॉडर्न दवाइयां साक्ष्य पर आधारित हैं, चाहे वो कैंसर हो या दिल की बीमारी हो, डायबिटीज़ हो या रेगुलर हेल्थ चेकअप हो, तो ये एकदम साफ है कि इलाज कराना इलाज न कराने से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और कई बार ट्राई करता है अपने जीवन में, तोड़ ही नहीं पाता, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, फिर उसके दिमाग में बैठ जाता है कि चेन से तोड़ना पॉसिबल नहीं है और उसके बाद वो ट्राई करना बंद कर देता है। नहीं तो आपको पता है बड़े हाथी को रोकने के लिए दुनिया में ऐसी कोई रस्सी, ऐसी कोई चेन, ऐसा कोई दीवार बनी नहीं है, लेकिन फिर भी हाथी को हम कंट्रोल कर ही पाते हैं, उसको गुलाम बना ही पाते हैं। लेकिन वो वाला जो हाथी है, जो गुलाम है, उसको ये नहीं पता कि वो गुलाम है, क्योंकि उसने बचपन से ही अपना चेन देखा है तो उसको लगता है कि यही फ्रीडम है, उसको खाने को मिल रहा है और वो थोड़ा बहुत इधर उधर चल पा रहा है, तो उसका एक ऊपर कोई कंट्रोल करने के लिए उसको लगता है कि दुनिया यही है और फ्रीडम यही होता होगा, क्योंकि उसने कभी जंगल देखा नहीं, उसने कभी फ्रीडम वाली दुनिया देखी नहीं। तो ये तो हुई हाथी की बात, लेकिन अब हम बात करेंगे इंसान की, यानी कि आपकी। देखिए, आपके लिए इस वक्त एक इनविजिबल जंजीर है और उस जंजीर से आपको कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन वो इतनी अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। उसको पता चलेगा जिसकी उम्र 100 साल से ऊपर हो, एग्जैक्टली 100 ईयर्स। अभी ये चल रहा है 1921 की बात कर रहा हूँ, 100 साल पहले, एग्जैक्टली 100 साल पहले जब इंसुलिन का आविष्कार हुआ था, वो था 1921, यानी कि एग्जैक्टली इंसुलिन को इन्वेंट हुए 100 साल हो चुके हैं। तो 100 साल की पहले वाली दुनिया तो वही बता सकता है जो अभी भी जिंदा हो, लेकिन हमारे यहाँ पे ऑडियंस में शायद कोई भी नहीं है जो 100 साल से पहले वाली जिंदगी बता पाए, हम सबकी उम्र 100 साल के अंदर अंदर ही है, और यानी कि इंसुलिन से पहले वाली दुनिया। तो ऐसा लगता है कि जो इंसुलिन आ गया है, अभी आप देखें इंसुलिन एक ऐसा नाम है, आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो मुझे सुन रहे हैं जो इस नाम से फेमिलियर नहीं होगा, और ऐसा एक प्रोजेक्ट किया गया कि ये लाइफ से भी एक ड्रग है, और जब ये आया तो बहुत सारी जानें अदरवाइज नहीं बचती जो बचा ली गई, बिकॉज इंसुलिन डिपेंडेंट अब लोग हैं जो इंसुलिन लेते हैं, ऐसे छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, इंसुलिन डिपेंडेंट बच्चे। अब
उसकी छुपाने की बात भी चल रही थी और छुप भी पाया बड़े आराम से। एक चेयर वन चेयर टिकट दीजिए। वो आपके डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से बैठा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे बैठा है डॉक्टर, और एक छोटा बच्चा जाता है और उसका ब्लड शुगर 500-600 या फिर वो अनकॉन्शियस हो चुका है। ये स्थिति है, पहली बार ही हो चुका है और उसके डैडी मम्मी शॉक है, ये क्या हो गया, हमारा बच्चा पहले कभी ऐसा था नहीं, शॉक। और ब्लड शुगर चेक किया तो पाया कि वो तो 500 है 600 है वॉट एवर, HbA1c चेक किया तो पाया वो भी 15 है 20 है, बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि बच्चा छोटा बच्चा है ना, तो डायबिटीज टाइप 1 हो गया है। तो अब वो क्या करेगा, अब वो क्या करेगा, वो जो डॉक्टर है वो निकालेगा इंसुलिन पेन। ये बड़ा अच्छा है, दिखने में पेन है, ये इंसुलिन पेन है, और इससे बोलेगा कि अब बच्चे को जिंदगी भर ये इंसुलिन लगाना है, और उसका डोज कितना होगा वो सब बताएगा, डाइट बताएगा, कुछ ना कुछ बताएगा, लेकिन और महीने में एक बार दो बार दिखाना है, तो उसकी ज़िंदगी शुरू हो गई। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग जिससे भी प्यार करते हैं अपने जीवन में, याद कीजिए उसको, वो आपका बच्चा हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, अपनी वाइफ हो, कोई भी हो सकती है। तो जितने तरह के पेन होते हैं, जितनी तरह की बीमारियाँ होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पेनफुल अगर कोई मुझसे पूछे वो डायबिटीज टाइप 1 होता है। बच्चे के लिए तो पेनफुल है ही, उसके पेरेंट्स के लिए पेनफुल रहता है। अक्सर ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं मुझे कि क्योंकि उन बच्चों को जितनी बार खाना खाना उतनी बार इंसुलिन लगाना है, और इंसुलिन कभी ज़्यादा हो गया कभी कम हो गया, इमरजेंसी में महीने में एक बार जाता है बच्चा, तो उन पेरेंट्स अक्सर बोलते हैं मुझे कि भाई काश कि भाई अगला इंसुलिन लगाने से पहले मैं अपनी जान दे पाता, मैं सुसाइड ही कर लेता। दैट इज काइंड ऑफ फीलिंग जो पेरेंट्स के मुँह से वो बोलते हैं अपने पेरेंट्स, इस तरह की भी हर बार इंसुलिन लगाना इस लाइफ स्टाइलिंग तक चाहे। लेकिन अब वो क्या करते हैं, सेकेंड ओपिनियन लेने एक और डॉक्टर के पास जाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे, चौथे के पास जाएंगे, सबके सब बोलेंगे नहीं जिंदगी भर इंसुलिन लगाना है, फिर वो थोड़ी रिसर्च करेंगे और जहाँ भी पढ़ेंगे तो जिंदगी भर रिसर्च करना है। तो इतने सारे रेफरेंस मिल गए तो उसके दिमाग क्या बैठ गया कि ये तो ऐसा ही होगा, दैट इज ये गुलामी, राइट। वो हाथी का बच्चे वाला, क्योंकि जो हाथी का बच्चा है ना वो जब बड़ा भी हो गया ना तो वो और भी कोई हाथी देखता होगा शहर में, तो उसके भी चेन लगा हुआ है, तो उसने उसके अलावा कुछ देखा ही नहीं है, उसे पता नहीं है कि भाई ये चेन तो मैं थोड़ा सा भी अगर दम लगाऊं तो मैं एक सेकंड में फ्री हो सकता हूँ, राइट, एक सेकंड फ्री हो सकता हूँ। हालांकि वो फ्री होगा तो दौड़ने लगेगा, तो पागल हाथी बोल के हम गोली से उड़ा देंगे, इंसान ऐसा करेगा, लेकिन आप बताइए एक सेकंड की आज़ादी चाहिए जिंदगी भर की गुलामी चाहिए। जब बहुत सारे हाथी ऐसे करने लगेंगे तो एक बार एक कंक्लूड करेगा ह्यूमन कि हाथी जो है वो टेम नहीं हो सकता, ये वाइल्ड ही रहता है, तो आगे से टेम करने की जो हमारी नीयत है वो खत्म हो सकती है। तो कुछ लोगों को तो अपना खून तो देना ही पड़ेगा, राइट। तो अब देखिए वो डॉक्टर क्या करता है, ये दे दिया। अगर अब अगला एक मिनट जो बोलने वाला वो आप ध्यान से सुनिएगा, जब वो बच्चा आया पहली बार, जब वो बच्चा पहली बार आया, वो डायबिटीज टाइप 1 पहली बार आया, तब अगर वो डॉक्टर ये ना देखे इसकी जगह अगर डॉक्टर बोले कि अब ये आपकी दवाई है, आप देखिए ध्यान से इसको, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, चार तरह के फल और चार तरह कोई भी चार तरह के वेजिटेबल, फ्रूट्स है तो खासतौर पे स्वीट फ्रूट्स, डॉक्टर अगर ये लेके बैठ जाए कि भाई बच्चे को ये खिलाओ, और अगर ये खाया बच्चा और रोज खाया है सब, तो ये देने की जरूरत नहीं है, एक भी दिन जरूरत, नॉट अ सिंगल डे, राइट। तो अब जरा आप इमेजिन कीजिए वो बच्चा आपका खुद का बच्चा है, राइट। अब जरा सोचिए उसकी दो जिंदगी होने वाली थी, एंड ये जिंदगी इधर जाएगी इंसुलिन या इधर जाएगी, कौन डिसाइड कर रहा है, वो जिसके पास आप आए हैं पूरे विश्वास से कि ये मेरा भला चाहता है उसके पास जा रहे हैं, है ना। तो बट दोनों जिंदगी एक गुलामी की तरफ है और दूसरा आजादी की तरफ है, सिर्फ उसका एक बोलना, वो बोलेगा ये लो या वो बोलेगा ये लो, राइट। अब ये लो अगर बोलेगा तो उसके पास बहुत सारे पैसे आने वाले आएंगे ना जिंदगी भर, राइट। और अगर ये लो बोलेगा तो वो घर जाके जब खरीदेगा तो डॉक्टर से तो खरीदेगा नहीं, वो तो सब्जी बाजार से खरीद लेगा, डॉक्टर की फीस एक बार दे देगा, तो वो गरीब रह जाएगा, वो अमीर नहीं हो पाएगा। अब आप अगर इस कुर्सी में हैं तो आप क्या बोलेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप इस कुर्सी में तो आप क्या बोलेंगे, राइट। तो इस कुर्सी में बैठने का उसी को हक है डॉक्टर बनने का। जो जब मेरे पास कोई बच्चा आता है तो पहले मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये मेरा बच्चा होता तो मैं क्या करता, अगर ये मेरे पिताजी होते तो क्या करता, अगर इस मेरे पिताजी होते और मेरे पास पैसा नहीं होता तब इस डॉक्टर को क्या करना चाहिए था। तो जब ये आप सोच
सोचेंगे तो आप कोई भी फैसला गलत कर ही नहीं सकते। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो जो 100 साल इंसुलिन के हो गए हैं, सिर्फ एक सच को छुपा के, सिर्फ इतना सा सच को छुपाने से एक इंडस्ट्री बन गई है, राइट। तो मैं दोबारा से यहाँ पे चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी अगर बच्चा है जिस दिन वो डायग्नोस हो रहा है, उस दिन अगर उसको सिर्फ एक दूसरा रास्ता दिखा दिया जाए तो वो दोबारा ठीक हो सकता है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रारी क्या होता है कि भाई बच्चे का फल अभी से बंद कर दो। याद कीजिए, अगर आप में से किसी को डायबिटीज टाइप का बच्चे से पाला पड़ा होगा और ऐसे करो उसकी दूध ना बढ़ा दो, डबल कर दो, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोटीन है, उससे क्या होता है, उससे इट एंश्योर्स कि ब्लड शुगर हाई रहे, इट एंश्योर्स, राइट। तो जिन चीज़ों से ब्लड शुगर हाई रहेगा उन चीज़ों को बढ़ा दो, और जिस चीज़ से इमीडिएटली उसी दिन वो ठीक हो जाएगा उसको तो हटा ही दो, लिटरली। एंड दैट इज द बिजनेस, राइट। वैसे तो बिजनेस कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जब किसी के जिंदगी में आप इससे प्यार करते हो, उसको विक्टिम बना के फिर बिजनेस कर रहे हैं, तो इससे बुरी चीज़ क्या हो सकती है।